एन ऑर्गेजमिया होता है। एन ऑर्गेजमिया मतलब कि आपको कितना भी स्टिमुलेशन मिले, कितना भी स्टिमुलेशन मिले, आपको ऑर्गेजम नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा, ऑर्गेजम ही नहीं आ रहा, ये भी होता है। ये क्यों हो सकता है? लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है, कई बार लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से, मैंने जैसे बताया, या फिर नसों की खराबी की वजह से हो सकता है, राइट। उसमें लो टेस्टोस्टेरोन में तो कई बार आपको फीलिंग ही नहीं आएगी, मतलब कोई लिबिडो ही नहीं है, डिजायर ही खत्म, ऐसा भी होता है। इवन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स या फिर डायबिटीज में ऐसा हो सकता है, ये प्रॉब्लम। सॉरी, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया था, आई डोंट नो व्हाई। सो दवाइयों से या डायबिटीज से भी ये हो सकता है। उसके बाद लिबिडो, लिबिडो का मतलब आपके डिज़ायर, आपकी डिज़ायर जो है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ हो सकते हैं अगर डिज़ायर आपकी एकदम कम हो जाए, बहुत कम हो जाए। ये क्यों हो सकता है? आपका हॉर्मोन्स, ऑब्वियसली हॉर्मोन्स कम होंगे, डिज़ायर भी कम होगा, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज, आपके पार्टनर से बनती नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिज़ायर कम हो जाएगा। डिप्रेशन हो, आप सैड हो, डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, एंग्शियस हो, डरे हुए हो, गुस्से में हो, डिज़ायर कम हो जाएगा, राइट। ये हो सकता है। और कई बार डिज़ायर बढ़ जाता है अगर बहुत ही ज़्यादा एकदम से सडन एब्रप्टली डिज़ायर आपके बढ़ रहे हैं, लिबिडो बढ़ रहा है, खासकर अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, ओल्ड एज में, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि दिमाग ही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो दिमाग से अगर स्टिमुलेशन ज़्यादा ही निकल रहे हैं, तो हो सकता है दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो, कोई ट्यूमर हो, कुछ हो, सो आपको दिखाना चाहिए, राइट। सडनली अगर एकदम डिज़ायर ख़त्म हो जाए या एकदम डिज़ायर बढ़ने लगे, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। फिर हमने ऑलरेडी बताया था आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जेनाइटल वॉर्ट्स, गोनोरिया, क्लैमाइडिया, सिफिलीज, जेनाइटल हर्पीज, ये सब होती हैं। और ये पहचानोगे कैसे? पहली चीज, कई दफ़ा इसमें यूरिन करते समय, पेशाब निकलते समय दर्द होता है, पेनिस से डिस्चार्ज निकलता है, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज निकलेगा, या तो पस निकल सकती है, पानी जैसा सफ़ेद पानी निकल सकता है, और पेनिस के ऊपर ब्लिस्टर या सोर्स या एक जो कहते हैं रैश हो सकता है, ब्लिस्टर हो सकता है, या फिर एक सोर हो सकता है, एक दाना हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, बड़ा सा छाला हो सकता है पेनिस के ऊपर या जेनाइटल एरिया में, वहाँ कहीं नीचे ऐसा कुछ है, तो आपको दिखाना चाहिए, डॉक्टर से टेस्ट कराना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, राइट। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और क्या होता है? पेनिस के फोर स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। पेनिस की फोर स्किन होती है, अगर आपकी अनसर्कमसाइज्ड है पेनिस, तो फोर स्किन आपकी नॉर्मली बाहर ऊपर होती है उसके हेड के ऊपर, अगर वो ऊपर से पीछे रिट्रैक्ट ही ना हो, पीछे आ ही ना पाए, तो उसे कहते हैं फाइमोसिस। फाइमोसिस एक प्रॉब्लम क्या होती है? फाइमोसिस से आपको कई बार पेशाब करते समय या सेक्स करते समय दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं फाइमोसिस से, फाइमोसिस बंद हो जाए सामने से। या पैराफाइमोसिस भी होता है कि अगर आपने फोर स्किन रिट्रैक्ट कर ली, पीछे आ गई, लेकिन वो पीछे हेड के नीचे फंस गई और वो आगे नहीं आ पा रही है, और हेड सूजता जाता है, हेड मोटा होता जाता है, क्योंकि खून का सप्लाई बंद हो गया, पीछे से वहाँ से आना, तो खून जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, तो वो फूलता जाता है, हेड फूलता जाता है, वो भी एक अर्जेंट कंडीशन है, उसमें भी फिर ऑपरेशन करना पड़ जाता है, आपका सर्कमसीजन करना पड़ जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि आगे है तो फाइमोसिस, पीछे फंस गया तो पैराफाइमोसिस बोलते हैं उसको। और क्या होता है पेनिस में? और भी बीमारियाँ होती है, यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन पेनिस में, उसमें क्या होगा, या तो सफ़ेद कलर के पैचेस आ जाएंगे, या तो लाल कलर के रैशेज आ जाएंगे, लाल रैश या सफ़ेद पैच पेनिस में या पेनिस के आसपास, ये होगा। फिर पेनिस का जो हेड है, उस हेड का इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसको कहते हैं बेलानाइटिस, बेलानाइटिस बोलते हैं इसको। इससे क्या होगा? दर्द होगा आपको, दर्द होगा, या फाउल डिस्चार्ज, यानी जिससे बदबूदार पदार्थ निकलेगा पेनिस से, बेलानाइटिस वहाँ से। फिर एक चीज़ होती है टेढ़ा पेनिस। टेढ़ा पेनिस में ऑब्वियसली एक चोट लग के, ट्रॉमा होके टेढ़ा हो गया, वो भी एक रीज़न है। और वो क्यों होता है? क्योंकि अंदर क्या होता है, धीरे धीरे एक स्कार बन जाता है, वो स्कार टिश्यू, अगर जब एबनॉर्मल स्कार टिश्यू बन जाता है पेनिस के अंदर, उसको बोलते हैं पेरोनीज डिजीज होता है, स्कार ट्रॉमा की वजह से भी, और भी कई रीजन से होता है, और इसके वजह से आपका पेनिस बेंट हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, और इरेक्शन करते समय, इरेक्ट होने में उसको दर्द भी हो सकता है, पेनिस में इरेक्शन के टाइम दर्द होना, ये भी हो सकता है।
फिर पेनिस में कैंसर भी हो सकता है। जी हाँ, इट्स पॉसिबल, बहुत रेयर है लेकिन होता है। ऐसा होता है तो पहले वो जो ब्लिस्टर आता है फोर स्किन के ऊपर, पेनिस के स्किन पे, हेड पे या शाफ्ट के ऊपर ब्लिस्टर आएगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, वॉट जैसा बन जाएगा, उसमें ग्रोथ आएगी, फिर उससे डिस्चार्ज हो सकता है, पानी या पस निकलेगा। वो एक रेयर चीज़ है पर वो आपको पता होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें हो सकती है पेनिस के अंदर, सोचो इतनी सारी बीमारियाँ। सो दैट इज़ वाई पेनिस हेल्थ बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी चेंजेस हो रहे हैं पेनिस के इजैक्यूलेट में, जैसे आप चेंज करते हैं इजैक्यूलेशन बहुत कम, बहुत ही बंद, या फिर मान लो ब्लीडिंग हो रही है यूरिन के साथ, इजैक्यूलेशन के साथ, पेनिस के ऊपर कोई भी रैश लेजन कोई भी है, कोई भी आपका छाला है, कुछ भी बम्प है, कोई भी मांस है, वो दिखाना चाहिए। अगर आपको पेनिस बहुत ही ज़्यादा बेंट हो गया और या इरेक्शन में दर्द होता है, या फिर आपको पेनिस यूरिनेशन के टाइम बर्निंग, पेनिस से कोई डिस्चार्ज, पेनिस में कोई दर्द, पेनिस में कोई ट्रॉमा, ऐसा कुछ होता है, एकदम से डिज़ायर बहुत बढ़ गई, बहुत कम हो गई, या बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इस सब चीज़ों में आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को। उसके लिए होते हैं यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, आपको मैं बता रहा हूँ 8 ऐसी टिप्स जो बेसिक बहुत ज़रूरी है पेनिस को हेल्दी रखने के लिए। नंबर 1 टिप है सेक्शुअली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको या तो कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप एक ही पार्टनर, अपना मोनोगेमस पार्टनर रखिए, म्यूचुअल पार्टनर, जिससे कि वो पार्टनर का, वो भी पार्टनर ऐसा हो जिसका या तो वो सेफ हो, टेस्टेड हो, या उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं हो। तो सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल होना आपको ज़रूरी है। दूसरा, आपको वैक्सीन ले सकते हो। वैक्सीन कौन सी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, जो कि कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क होता है, जेनाइटल वॉट्स का रिस्क होता है, उसके लिए वैक्सीन है HPV वैक्सीन। अगर आप यंग हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और 26 की एज से कम है तो आप ले सकते हो, 26 से कम, 26 से कम तो ये वैक्सीन ले सकते हैं, राइट। देन आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए रेगुलरली, स्टेइंग फिजिकली एक्टिव, थोड़ा भी अगर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी भी है तो आपके इरेक्शन डिफॉर्म, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम बहुत कम हो जाते हैं। और हाइजीन बहुत ज़रूरी है, हाइजीन रखना। अगर आप सरकमसाइज्ड नहीं है, सरकमसाइज्ड नहीं है तो पेनिस के फोर स्किन के नीचे आपको सफाई करनी चाहिए सोप एंड वाटर दोनों से, और जब भी उसे क्लीन करो या सेक्स करो तो सेक्स के बाद फोर स्किन को वापस ऊपर कर देना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है आफ्टर सेक्स ऑल्सो, राइट। और दवाइयाँ अगर आप खा रहे हो तो डॉक्टर से बात कर लो, अगर आपकी दवाई का कोई साइड इफेक्ट इस तरीके का हो सकता है, या अगर आपको हो रहा है तो दवाइयों के बारे में बताओ कि ये तो नहीं है कहीं कारण, राइट। और आपको मेंटल हेल्थ, अगर आप सैड हो, डिप्रेस्ड हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, उसको सॉल्व करना ज़रूरी है, वरना वो आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। अगर आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, ड्रिंकिंग कम कर दो, स्मोकिंग बंद कर दो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर उसको मैनेज करो, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड देन मेक हेल्दी चॉइसेस, यार आपने हेल्थ को बहुत ज़रूरी है मेंटेन रखना, वेट रिड्यूस करो, वेट मेंटेन करो, पानी ज़्यादा पियो, नींद अच्छी ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, इरेक्शन डिफॉर्मिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रिवेंट करने के लिए भी, ये सब ब्लड प्रेशर से लेके हर चीज़ इंपॉर्टेंट है मैनेज करनी। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको जाननी के लिए जरूरी है। और कई बार आप चाहो तो रूटीनली जाके पेनिस का एग्जामिनेशन करवा सकते हो यूरोलॉजिस्ट से, यूरोलॉजिस्ट आपको बता देंगे कि अगर आपकी पेनिस में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। रेगुलर हेल्थ चेकअप इज ऑल्सो एन ऑप्शन जो करना चाहिए। तो ये हुई बात सारी पेनिस हेल्थ की। आई होप इससे यूथ को, बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी भाई समझने में कि हमें अगर प्रॉब्लम हो रही है भी कि नहीं, प्रॉब्लम है तो कौन सी है और किसके पास जाना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यूरोलॉजिस्ट होते हैं, यूरोलॉजिस्ट जो पेनिस के लिए देखते हैं, या गायनेकोलॉजिस्ट, राइट। सेक्सुअलॉजिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बाकी यू कैन गो टू अ डॉक्टर दैट वे। एंड मेक श्योर टू स्प्रेड दिस वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस वीडियो टू एवरी वन, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। Stay connected and stay healthy.